हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहां पे ब्रॉन्ज ट्रेनिंग कैसे होती है। ये एकदम बेसिक है। ठीक, इसके पहले मैंने लिया था ऑफ रोडिंग का, जो कि कहलाता है ट्रेल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या ट्रेनिंग होती है, कैसी ट्रेनिंग होती है, क्या क्या उसमें कराया जाता है, एवरीथिंग। तो मेहरबानी से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुंबई में ये हो रहा था कल्याण रिजॉर्ट के अपोजिट में, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए यहाँ पे से। तो फिलहाल एक मिनट बता रहा है, तो यहाँ पे अभी सारे KTM वाले जा रहे हैं। यही है, फिर तो यही होगा। ये BMW का है, BMW का लिखा है, और KTM जा रही है। चलो लेट्स सी क्या होता है। ये BMW का है आई थिंक। यप, BMW लिखा हुआ तो है। BMW में KTM थोड़ी कराएंगे वो लोग यार, आई डाउट। नहीं, यहाँ नहीं है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे गाइस, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे। ये BMW वालों का है। भाई KTM के लिए क्या? ओके, थैंक यू। तो हम लोग गलती से हमारे कॉम्पिटिटर वाले के अंदर घुस गए। यहाँ पे BMW की ट्रेनिंग हो रही है, होंगी। डैम, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। वो लग भी रहा था यार, एक्चुअली मैंने देखा कुछ KTM आने पर लेट रहे हैं, तो मुझे लगा शायद यही होगा, इसलिए मैंने भी गाड़ी इधर ही डाल दी। चलो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, चलता है। आज नहीं तो कल आपका भाई भी लेगा BMW GS1250। मगर फिलहाल ड्रीम से पहले नीट पूरी की जाए। तो हमारी नीट पूरी हो गई है, हमारी KTM Adventure 390 से। रिजॉर्ट तो ये है। अब इसके अपोजिट में उन्होंने कहा था, ओके, तो उसने कहा था उसके अपोजिट में रहेगा। पहुंच तो गए यार, जगह तो यही दिखा रही है, ये रहा कल्याण विलेज रिजॉर्ट। ओके, तो भाई ने फोन किया है। ओके गाइस, तो फाइनली अब वो लोग भी आ गए हैं, उनकी गाड़ी अभी हमने ऊपर जाते हुए देखी। अब जरा डाला जाए गाड़ी। तो यहाँ पर अंदर होने वाला है, ठीक ये रिजॉर्ट के सामने उन्होंने कहा ही था। तो लेट्स सी क्या होता है। ये आ गए हम लोग, और यहाँ पे उनकी सर्विस साइकिल भी है, और एक KTM उस पर ऊपर चढ़ी हुई है, आई थिंक हमारे इंस्ट्रक्टर की है। ओके, पार्क करने के लिए कह रहे हैं। चलो फिर पार्क किया जाए। तो गाइस, यहाँ पे अभी लाइन से सबने KTM अपनी लगा ली है, अभी और भी लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे लग रहा है KTM का टेंट और बैनर्स वगैरह सब लग रहे हैं। तो अभी नाश्ता लगने का है, और यहाँ पे सब जन फॉर्म भर रहे हैं। तो गाइज, नाश्ता स्टार्ट हो गया है। ये है नाश्ता। पहले पेट पूजा, फिर बाद में काम दूजा, और वैसे भी अभी खाने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी वो ब्रीफिंग कर रहे हैं। सबसे पहले वो आपको सिखाते हैं कि बाइक को कंट्रोल कैसे करना है अपने पैरों से, इसलिए हाथ बांधकर आपको वो ऐसे खड़े होने के लिए कहते हैं, और फिर कोई एक दो जन आपकी बाइक पकड़ते हैं, फिर आप अपनी बाइक को अपने पैरों से कंट्रोल करते हैं, और फिर आती है बारी अपनी बाइक को बैलेंस करने की। ये बिना स्टैंड के बाइक खड़ी है, आपको एक एक हाथ से पूरी बाइक के चारों ओर घूमना है और अपनी बाइक को होल्ड करना है, ज़्यादा टाइटली नहीं, ज़्यादा ताकत से नहीं, बस लाइटली, ताकि आप अपने बाइक को समझ सकें, उसके वेट को समझ सकें, और फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसमें आप अपने बाइक को अच्छे से संभाल सकें। क्योंकि अगर आपको आपकी बाइक का बैलेंस प्रॉपरली समझ जाए तो आप अपनी बाइक को कहीं भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज, ये ड्रिल भी बहुत बढ़िया थी, दिखने में थोड़ी आसान दिखती है, लेकिन ट्रस्ट में जब स्टैंड नहीं होता है गाड़ी में, तो ज़्यादातर डर यही लगा रहता है कि गलती से भी अगर बाइक छूटी तो गिर सकती है आप पर या सीधा नीचे। मगर मुझे कोई टेंशन नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि मेरी बाइक मैंने प्रॉपरली गार्ड करके रख लिया था। मैंने जाना के बहुत सारे इसमें गार्ड्स लगा रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने जाना की बहुत सारी एसेसरीज दिखाई है उसके प्रोज और कॉन्स के साथ।
फिर बारी आती है अपने बाइक को ऑन करके फर्स्ट गियर पे गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना, जिसमें आपको अपने हिप और अपने लेग्स की मदद से बाइक को आगे बढ़ाना है। ये भी दिखने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन ट्रस्ट में गाइस यहाँ पे भी थोड़ा डर लगता है, ये सोच के कि गाड़ी उस तरफ ना गिर जाए या एकदम अपने ऊपर आंग पर ना आ जाए। इसीलिए वो आपसे ये ड्रिल करवाते हैं कि कोई भी सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी गिरती है या किसी भी सिचुएशन में आप फंसते हैं तो आप अपनी बाइक को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और पैनिक आपको होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने ये 360 शॉट लिया ही इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ सके। मैं थोड़े फास्ट में इसलिए कर रहा हूँ, वरना अगर नॉर्मल बनाने जाता तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। और फिर बारी आती है ऐसा 8 बनाने की, इसे हम लोग क्रेजी 8 कह रहे थे क्योंकि इसमें आपको 8 बनाना होता है ऐसे दोनों कोन्स के बीच से। ट्रस्ट मी, ये भी दिखने में आसान है लेकिन बहुत कठिन है। वो कहते हैं कि पहले बैठकर आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद आपको जब लगे तभी सेटल करते हुए 8 बनाइए, क्योंकि 8 बनाना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए वो इसके पहले की ड्रिल्स करवाते हैं जिसमें आप अपनी बाइक को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी बाइक को अच्छे से आप पैर से कंट्रोल कर सकते हैं, फिर ही उसके बाद वो ये करवाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप ये आसानी से कर पाते हैं। तो अगर आपको भी कॉन्फिडेंस लाना है तो पहले बैठकर समझ लीजिएगा, उसके बाद ही सैडलिंग कीजिएगा। मैं जानता हूँ सैडलिंग एक ऐसी चीज है जिसे बहुत लोग करना पसंद करते हैं और बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन पहले आप अपनी बाइक को अच्छे से समझ लीजिए, बैलेंस को समझ लीजिए, कंट्रोल को समझ लीजिए, उसके बाद ही सैडलिंग कीजिए, बिकॉज सैडलिंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो अब मेरी बारी आई। जैसे कि मैंने कहा गाइस, जो पहले की ड्रिल्स है वो करवाते हैं इसलिए है ताकि आप अपनी बाइक को, बैलेंस को और कंट्रोल को समझ सकें। एंड ट्रस्ट मी गाइस, फिर उसके बाद काफी आसान हो जाता है। मैंने पहले बैठकर ही इसे कंप्लीट किया और जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तब उसके बाद मैंने सैडलिंग की। मेरी एडवाइस भी आपसे यही रहेगी कि आप पहले बैठकर इसे अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आइए और उसके बाद ही इस पर सैडलिंग कीजिएगा। बेसिकली इस ट्रेनिंग को आप अपने नॉर्मल डे टू डे बेसिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सिटी हो या कहीं और भी, क्योंकि ये टर्निंग कंट्रोलिंग में बहुत हेल्पफुल रहती है। इसके बाद जो टास्क था वो था इन कोन्स के बीच से बाइक को निकालना। इसमें भी मैंने पहले बैठकर ही कंप्लीट किया, उसके बाद ही मैंने सैडलिंग की। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिखने में ये भी बहुत आसान है मगर ट्रस्ट में एकदम से आसान नहीं होता है। थोड़ा समय लगता है, एक दो कोन्स आपके चक्के के अंदर ही जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, फिर चाहे सैडलिंग हो या फिर बैठकर हो आप आसानी से निकाल पाएंगे। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मशीन आपके काबू में होनी चाहिए, ना कि आप उसके। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ यहाँ के थोड़े ड्रोन शॉट्स। गाइस मैंने बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड की थी जिसमें से बाइक कैसे उठाना है वो भी उन्होंने बताया था, लेकिन मेरा गोप्रो एन वक्त पे हैंग हो गया। रिस्टार्ट करके ऑन किया तो बैटरी डाउन हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं था, और 360 की भी बैटरी डाउन हो गई थी तो मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाया, लेकिन जो कुछ भी मैंने शूट किया वो मैंने आपसे शेयर किया है। ट्रस्ट मी गाइस, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। अगर आपके पास में KTM एडवेंचर की कोई भी बाइक है और अगर आपको मौका मिलता है कि आपको ऐसा कुछ करने के लिए मिले KTM की तरफ से, तो इसको बिल्कुल भी चूकिएगा मत। आप सारी ट्रेनिंग कीजिएगा, कोई भी मापेट सीखकर नहीं आता है। ट्रस्ट मी गाइस, जब आप यहां पे आएंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि आप जो नॉर्मल ड्राइविंग करते हैं और जब आप ये ट्रेनिंग करने के बाद ड्राइविंग करेंगे तो उसमें कितना ज्यादा फर्क है। तो मेरे तरफ से ब्रॉन्ज ट्रेनिंग के लिए थम्स अप। हमारी जहां ट्रेनिंग हो रही थी ठीक उसी के बाजू में हो रही थी BMW की ट्रेनिंग। तो गाइस इससे आप समझ सकते हैं बाइक चाहे कोई भी हो, ट्रेनिंग की जरूरत सभी को होती है। तो सब खत्म होने के बाद में लंच, और लंच में ये है गाइस, ये सिर्फ नॉनवेज में दिख रहा है लेकिन नॉनवेज नहीं, वेज है। पहले प्लेट में निकाल लेते फिर व्लॉगिंग करते। तो ये है हमारा लंच। तो गाइस हमें मिला ऐसा किचन जो कि है बाइकर्स कार्टेल, ये इंस्टाग्राम पे इनका पेज है तो आप भी जरूर फॉलो कीजिएगा, बाइकर्स कार्टेल राइडिंग ग्रुप। इन्होंने बेसिकली ये सब अभी ट्रेनिंग करवाई है KTM की तरफ से। ब्रॉन्ज लिखने में बेसिक लगता है मगर करने में समझ में आता है कि कितना डिफिकल्ट है, पर ये ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। अब ये जो हमने सीखा है अब हम डेली लाइफ में भी इसे इस्तेमाल करेंगे। सो दैट्स इट गाइस, अभी यहाँ पे सब खत्म होता है, सारा ड्रिल्स, सारा जो भी कुछ उनको सिखाना था वो सब उन्होंने सिखा दिया। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन है तो आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम इस तरीके के नए वीडियोज़ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है जहाँ हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज़ अल्लाह, बाय।